यहाँ जो सामने वो टो टीला नजर आ रहा है ना, वो पाली की तरफ ज्यादा इस बाघरी का कुछ नाम है, मुझे मालूम नहीं, बाघरी बोलते हैं। उस तरफ है बांडाई, इस तरफ है रोहट, यहाँ ओम बन्ना जी का थान, पास में चोटीला, वहाँ से आगे बिट्ठू, बिट्ठू से आगे मोरिया, मोरिया से आगे सोनाई, सोनाई से आगे खांडी, खांडी से आगे साजी, साजी से होकर सतलाना होते हुए धुंधड़ा ये रास्ता जाता है इस साइड में। तो आपको ये माता जी का स्थान कैसा लगा? उसी पहाड़ों में माता जी अक्सर पहाड़ों में रहते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लोगों को पता चले, लोग यहाँ पर आए और माता जी का और ज़्यादा प्रसार हो, और हम यही चाहते हैं कि माता जी का प्रसार हो, हम इसीलिए घूमते हैं भाई। खतरा बहुत था, ओहो, क्योंकि धूप की वजह से पैर टिक नहीं रहते। चलो तो फिर दोस्तों, ये सब नज़ारा था, वर्षा आई नहीं, नहीं तो अच्छा रहता, क्योंकि धूप बहुत थी और परेशान हो जाती। मैं तो परेशान नहीं हुआ, माता जी का इस ध्यान आते ही सब अच्छा अच्छा होता है, परेशान होने की बात ही नहीं रहती। ये पूरा गांव चोटीला गांव है, लास्ट तक सीढ़ियाँ बनी हुई है, थोड़ा और ऊपर जाते हैं तब थोड़ा नहीं है, बाकी वहाँ तक बनी हुई है। तो आपको ये नज़ारा कैसा लगा हमें बताना ज़रूर, और आगे आपको पाली ज़िले के अंदर क्या देखना है हमें कमेंट करके बताना, कोशिश करेंगे हम आपको वो भी दिखाने की। हम गलत टाइम पे आ गए, थोड़ा धूप ज़्यादा थी, मौसम थोड़ा आज गर्मी का है। चलिए।